जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम के बारे में। आइए, इसे जानने से पहले हम बात करते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कैलोरी तो नहीं होती, लेकिन यह शरीर की मेटाबॉलिज्म में रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, विटामिन की खोज फंक ने सन 1911 में की थी। आइए अब हम जानते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और ज़ेरोथैल्मिया हो जाता है। फिर नेक्स्ट विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। फिर विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का नाम थाइबोफ्लेविन है और विटामिन बी टू की कमी से त्वचा फटती है और आंखें लाल हो जाती है। विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन है और विटामिन बी थ्री की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं और मंद बुद्धि हो जाते हैं। फिर विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है और इसकी कमी से पेलेग्रा या फोर्डी सिंड्रोम हो जाता है। विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन होता है और विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया और त्वचा के रोग हो जाते हैं। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटिन है और विटामिन बी सेवन की कमी से लकवा और बालों का गिरना शुरू हो जाता है। विटामिन बी इलेवन। विटामिन बी इलेवन का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है और विटामिन बी इलेवन की कमी से एनीमिया और पेचिस नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व का नाम रासायनिक नाम साइनोकाल लिम्न है और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़े सूज जाते हैं और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स ऑस्ट्रियो मलेशिया हो जाता है और ये रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्ट्रियो मलेशिया वयस्कों में होता है। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। जब हमें किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो खून बहना बंद नहीं होता। आप देखते हैं विटामिन घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।